फ्रेंड्स, आज मैं इन्हीं कलर से ड्राइंग बनाऊंगी। और ये डॉम्स के ब्रश पेन और पेंसिल कलर हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी इन्हें बिल्कुल, जो भी बनाऊं मैं उसे बिल्कुल रियलिस्टिक लुक दे सकूं। तो ये इसके इसमें पेपर आते हैं फ्रेंड्स, मैं उसी पर ही बनाऊंगी। ये ब्रश पेन के पेपर तो मेरे ख़त्म हो गए हैं, और ये पेंसिल कलर के साथ भी पेपर आते हैं, तो मैं आज इसी के ऊपर बनाऊंगी। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ ये ऐसे कलर हैं, ये पेंसिल कलर हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इससे काफ़ी सारी ड्राइंग भी बनाई हैं, मैं शॉर्ट्स बनाए हैं मैंने अभी तक, वीडियो मैंने फुल वीडियो मैंने नहीं बनाई है, तो मैं आज एक फुल वीडियो बनाती हूँ। और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये ब्रश पेन है, मैंने इनसे भी काफ़ी सारे शॉर्ट्स बनाए हैं, लेकिन मैं वीडियो अब बनाऊंगी फर्स्ट टाइम ही। तो फिर चलो आप स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पेपर ले लिया है, और हम इसके चारों तरफ टेप लगा देंगे ताकि ये हिले ना बिल्कुल भी, और हमें ड्राइंग बनाने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि हमारी ड्राइंग ख़राब नहीं होगी। अगर इधर उधर हिलेगी तो ड्राइंग ख़राब हो जाती है, क्योंकि कलर तो मिट नहीं सकते हैं, इसलिए हम इस पर पहले ही टेप लगा देंगे चारों ओर, ताकि हमारी ड्राइंग बिल्कुल भी ना हिले और अच्छी बने। तो चलो, मैंने टेप लगा दी है, अब हम बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें हमें जो भी ड्रॉ करना है, पहले हम हल्का हल्का ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, बहुत ही लाइट शेड की पेंसिल लेनी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें कलर से ड्राइंग बनानी है। तो चलो फिर मैं पेंसिल लेती हूँ एक लाइट शेड की। मैंने ये 2H पेंसिल ली है, ये बहुत ही लाइट होती है। तो मैं एप्पल ड्रॉ करने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो अब मैं एप्पल ड्रॉ करूँगी हल्का हल्का सा। एप्पल ड्रॉ करेंगे, आपको जितना भी बड़ा बनाना है आप पहले उसे ड्रॉ कर लें हल्का हल्का। मैंने एक बड़ा सा एप्पल ड्रॉ कर लिया है, अब इसमें हम कलर यूज करेंगे। देखो, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। जो इसका एक्स्ट्रा पेंसिल का जो डस्ट है, हम उसे डस्टिंग इरेजर से इरेज कर देंगे एक्स्ट्रा डस्ट। ये देखो लाइट हो गया, अब बस आपको इतना ही रखना है कि आपको वो दिखना चाहिए हल्का हल्का सा। मैं अब इसमें से रेड कलर लूँगी, और अब हम रेड कलर से ही करेंगे। और आपको बहुत ही आराम से चलाना है, ताकि जो आपका कलर है बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अभी जो बीच में जो लाइनें आ रही हैं, जब आपको आप इसे ब्रश से ब्लेंड करोगे तो एकदम स्मूथ हो जाएगा ये सारा। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी ये लाइनें आ रही हैं, तो आप इसे आराम से कीजिए। आप जो भी इमेज लेंगे, मतलब जो भी आपने बनाना है स्ट्रक्चर, आप उसके अकॉर्डिंगली कलर आपको वहाँ जहाँ लाइट है वहाँ लाइट ही रखना है,
और जहाँ डार्क है वहाँ आप डबल डबल पे चला सकते हैं। मैंने ये जगह इसलिए इतनी छोड़ी है क्योंकि मुझे यहाँ पर येलो कलर करना है, और जब मैं येलो कलर करूँगी तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और इसका शेड एप्पल का शेड आ जाएगा। मैंने येलो कलर लिया है और जहाँ जहाँ मुझे येलो चाहिए मैं वहाँ हल्का हल्का कर दूँगी। सब इसे हम मिक्स करते हैं ब्रश की हेल्प से, जो हमारे कलर के साथ जो ब्रश आया है ना हम उनसे ही ब्लेंड करेंगे। ये रहा, हम इसमें पानी भर सकते हैं, तो मैंने इसमें पानी भर लिया है पहले ही। ये इसमें पानी भर लिया है मैंने, हम एक खाली किसी भी कटोरी ग्लास में पानी लेंगे ताकि हमारा जो ब्रश है जो क्लीन हो, अगर हमें क्लीन करना है तो क्लीन होता रहे, तो इसलिए मैं एक कटोरी में पानी ले लूँगी। मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है, मैं ब्रश को हल्का सा गीला करूँगी और इसे करेंगे हम ब्लेंड। और ब्लेंड ये बहुत ही आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स। आप जब खुद ही करोगे ना तब आप मजा ही आ जाएगा। और आपको ज्यादा पानी नहीं लेना, अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो आप किसी क्लीन कपड़े से एकदम साफ कर लेना उसे, नहीं तो वो फैल जाएगा तो फिर आपकी ड्रॉइंग खराब हो जाएगी। नहीं तो फिर अगर आप पहली बार ही बना रहे हैं तो आप बहुत आराम से करना, ताकि आप मेहनत करो और ड्राइंग ख़राब हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए आप पहले आराम से ही करना। अच्छे से करनी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अलग से अलग रख दिया है। आपको ब्लेंडिंग भी बहुत ध्यान देना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको और येलो कलर की ज़रूरत है तो आप ब्रश में टच करके, आपको ऐसे टच करना है ब्रश में, और जहाँ आपको ज़रूरत है आप वहाँ कर, आपको वहाँ करना है।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बीच में बिल्कुल लाइट हो गया है। और हम पानी की हेल्प से भी जहाँ हमें लाइट करना है वो हम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही फाइन पानी लेना है, जितना मतलब आपको शेडिंग करनी है, हल्की डार्क जैसी भी है। और जहाँ आपको डार्क चाहिए आप वो डार्क करें, मुझे इधर की साइड बस डार्क ही चाहिए, मैं इधर डार्क करूँगी। डार्क कर लिया है और अब इसे ब्लेंड करेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा सूखने देंगे ताकि जो हम अब आगे कलर करें और अच्छे से हो जाएं वो, इसलिए अभी इसको सूखने देते हैं। अब हमारा कलर सूख गया है तो अब हम इसकी डंडी बनाने के लिए तो ये ब्राउन कलर लेंगे और हम इसकी डंडी ड्रॉ करेंगे। ब्लेंड करेंगे ब्रश पेन दिया है और इसकी फिनिशिंग करेंगे। अब हमें येलो कलर लेना है और एप्पल की डॉट बनाने हैं एप्पल के ऊपर। और जब सूख जाएगा ना आपका कलर आपको तभी करना है, नहीं तो ये आपका होगा नहीं और फैल जाएगा। इसलिए आपके जब आप कोई भी ड्राइंग बनाओ
जब आपके सूख जाए तभी आपको डॉट बनाने हैं। अब हमें वाइट चारकोल पेंसिल लेनी है। फ्रेंड्स ये ज़्यादा मतलब महंगी नहीं है, ये पेंसिल बहुत ही मतलब इकोनॉमिकली बोल लो इसको, ये 40 रुपीज़ की आई थी। अभी मैं इससे ही करती हूँ क्योंकि मेरी चारकोल पेंसिल ख़त्म हो गई है। तो चलो कोशिश करते हैं इससे रियल इफेक्ट देने की। जहाँ जहाँ हमें एप्पल में शाइन चाहिए हमें वहीं वहीं करनी है। फ्रेंड्स ये लोकल पेंसिल है तो इसीलिए थोड़ा ठीक से नहीं चल रही है, लेकिन हाँ काम चलाओ है। हम हल्के हाथों से ही करेंगे क्योंकि हमें ये ब्लेंड भी करना है हल्का हल्का। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। मैंने ये ईयरबड लिया है, एकदम क्लीन ईयरबड है ये, तो उसे हम ब्लेंड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा एप्पल थोड़ा रियल लगने लग गया है। अब हम दोबारा चारकोल पेंसिल करेंगे। देखो अब एप्पल ऐसा लग रहा है जैसे शाइन कर रहा है। चारकोल पेंसिल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करें काम चलाना पड़ रहा है। अगर आप वाइट चारकोल पेंसिल लेना चाहते हैं तो आप अच्छी ही लें, क्योंकि ये बहुत ही बेकार और वो लुक अच्छे से नहीं आ पाता है। चारकोल पेंसिल से ही इसके डॉट बनाएंगे। ये हमें ज़्यादा हाईलाइट करने हैं इसके डॉट।
अब हम इन्हें हल्का हल्का सा ब्लेंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो बिल्कुल वो ब्लेंड हो जाएगा, इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से हल्का हल्का करना है ताकि बिल्कुल इफेक्ट रियल आए। जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम रियल कट आ गया है। फाइनल टच देंगे हम चारकोल पाउडर से। फ्रेंड्स अब हम देंगे इसे फाइनल टचअप और चारकोल पाउडर लेना है हमें। मैंने ये चारकोल पाउडर लिया है और एक ब्रश लेना है, फ्लैट ब्रश लेना है आपको इस तरीके का कुछ, और हल्का सा चारकोल पाउडर लेकर इसमें आपको और एप्पल के चारों करना है इसे। इसे रियल इफेक्ट देंगे और इसके नीचे शेडो बनाएंगे। फ्रेंड्स हमारा एप्पल एकदम रियल लग रहा है, अब हमारा एप्पल एकदम रियल लग रहा है। और देखो अब हमने ये ब्रश पेन से ही बनाया है और देखो कितना रियल लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्प लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।